वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप सिंह धायल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, सूरज एजुकेशन ग्रुप. नाउ टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. सब टॉपिक इज अवर सोल्व द इक्वेशंस. अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास इक्वेशंस गिवन होगी. वी हैव टू जस्ट एंड जस्ट सोल्व देम इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. जस्ट लुक आउट द पीरियोडिक. जो आपके पास पहले प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के भी आप ये आपके पास क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे. अब लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ यहाँ देखिए आपके पास, इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस अब टू कोट इनवर्स एक्स, मतलब आपके पास जो कोट इनवर्स एक्स है वो दो टाइम है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे. कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री. अब हमें पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई टू. ये आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एंड आपके पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज आल्सो इक्वल टू पाई बाई टू. अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में पाई बाई टू रिजल्ट आ चुका है, प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री. अब हमें शिफ्ट करना है पाई बाई टू को अब राइट हैंड साइड में. कहाँ लेके जाएंगे इसको, राइट हैंड साइड में. नाउ आपके पास क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू. टेकिंग एलसीएम आपके पास कॉमन एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम आपके पास सिक्स, टू इंटू टू फोर माइनस थ्री फाइव, डेट इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स. अब अपने पास जो लास्ट कॉमन रिजल्ट आया है उसको देखिए, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स. अब हम कोट इनवर्स को राइट में शिफ्ट करें, राइट में हम इसको, या हम इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, कोट. तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोट पाई बाई सिक्स. अब कोट पाई बाई सिक्स आपके पास किसके बराबर होता है, आपका 30 डिग्री के बराबर. 30 डिग्री को आप कन्वर्ट कीजिए तो कोट 30 इज इक्वल टू आपके पास कितना आता है, 1 बाई अंडर रूट 3. नाउ वी गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3. दिस टाइप ऑफ सिंपल प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर एंड इन द एक्सरसाइज 2.2 14 15 16 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब हम एक सेकंड टाइप की प्रॉब्लम और कर रहे हैं. इस प्रॉब्लम को देखिए, इफ टू कोट इनवर्स एक्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स, एंगल आपके पास क्या है, कोस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेकेंट एक्स. अब यहाँ देखिए टू टेन इनवर्स एक्स, अब हमें पता है टू टेन इनवर्स एक्स का आपके पास फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x divide by 1 minus x square. अब यहाँ पर जो x है आपके पास वो completely आपका cos x है, जो cosine आपके पास है वो आपके पास completely x है. तो left hand side को हम separate लेके चल रहे हैं, right hand side को भी हम separate लेके चल रहे हैं. तो यहाँ left hand side में हमने देखा क्या मिला, 2 tan inverse cos x is equal to 2 को हम change कर रहे हैं tan inverse 2 cos x divide by 1 minus cos square x is equal to. अब जो आपके पास right hand side है equal में चल रही है, इसको as it is डालिए, tan inverse 2 आपके पास as it is, जो cosecant है उसको हम 1 by sin x लिख सकते हैं, is equal to sin x. अब आपके पास देखिए, tan inverse से आपका tan inverse cancel हो जाएगा जब इसको हम right में लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा, 2 cos x. अब आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, आपके पास साइन स्क्वायर के बराबर. कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड ऑफ साइन एक्स. अब यहाँ देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो रहा है, एक साइन से आपकी एक साइन कैंसिल. अब कोस बटे साइन आपके पास किसके बराबर होता है, कोट एक्स इज इक्वल टू 1. अब कोट वन किसके ऊपर होता है, जस्ट लुक आउट, कोट वन किसके ऊपर होता है, आपके पास एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स, राइट में आपके पास जाता है तो वन, वन आपके पास कोट इनवर्स कोट पाई बाई फोर,
नाउ कैंसिल कोट टू कोट इनवर्स, दोनों को आपने कैंसिल किया, उसके बाद हमें मिला एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ये आपके पास दोनों सिंपल प्रॉब्लम थी, दोनों सेम रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई समथिंग भी आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपके पास लास्ट वन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसमें हम एक्स की वैल्यूज को या इक्वेशन को सोल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम आपके पास देखिए क्या है। जस्ट लुक आउट, माउस को नोट कर रहा हूँ, वो आपके पास प्रॉब्लम है जैसे आपके पास इफ 10 इंटू में आपके पास जो एंगल है आपके पास कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन या आपके पास कोट इनवर्स 1/2। अब यहाँ आपके पास दोनों बराबर हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री एंगल है, 10 10 का एंगल आपके पास कोस इनवर्स एक्स है, साइन साइन का एंगल आपके पास कोट इनवर्स 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को एक बार हम थीटा और फाई मान के चलेंगे। तो यहाँ से हमने लेट किया, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिकॉज दे आर इक्वल, तो इन लास्ट दे आर ऑल्सो इक्वल। लेट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू कोस को राइट में लेके गए तो हमने कोस थीटा पुट कर। अब मैं इसको यहाँ एक्स की जगह पे अपना पुट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो टेंजेंट क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स की जगह पे हमने कोस थीटा पुट किया, कोस से आपका कोस इनवर्स कैंसिल, नाउ रिजल्ट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब लुक आउट, यहाँ कोस है उसकी वैल्यू आपके पास एक्स है कोस थीटा की, अब टेन थीटा मिला है। अब हमें पता है ट्रायंगल का यूज कीजिए, कोस आपके पास एक्स बटे वन लिखिए, कोस क्या होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आपके पास परपेंडिकुलर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेंजेंट थीटा आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स। ये आपके पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है। अब अगर आपको काउंट करना है तो या तो पहले साइन निकालिए फिर साइन बाई कोस करेंगे तो आपके पास टेंजेंट थीटा मिल जाएगा, बट ये सिंपल मेथड रहता है, इसको आप फॉलो कीजिए। अब आपके पास राइट हैंड साइड में था तो यहाँ आपने किया लेट कोट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 5, देन 1/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, कोट 5। अब 1/2 को यहाँ हम पुट कर देंगे, कोट 5 पुट कीजिए आपके पास, तो ये आपके पास बन जाता है साइन कोट इनवर्स 1/2 की जगह पे हमने पुट किया कोट 5, कोट से आपका कोट इनवर्स कैंसिल हो रहा है, देन आपके पास रिजल्ट आ रहा है साइन 5। अब अपने पास गिवन है कोट 5, हमें वैल्यू चाहिए साइन 5। अब कोट क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें बेस कितना होगा 1, परपेंडिकुलर आपके पास 2, तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास अंडर रूट 5। अब हमें साइन चाहिए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ आपके पास परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 5 है। अब हमने इनको सिंपली दोनों चल रही हैं, दोनों को हमने इक्वल रख देना है क्योंकि दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं। दैट्स मींस अपने पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2/√5। अब यहाँ अंडर रूट में टर्म है तो कंप्लीट दोनों का स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर का स्क्वायर कैंसिल किया तो एक अंडर रूट, या आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अंडर रूट 5 से आपका स्क्वायर कट गया तो 4/5। अब आपने क्या करना है, इक्वल रख देना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 माइनस 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, 4 प्लस 5 आपके पास 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9, सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 5/√5/3। अब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू को हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइप से प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी वो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप फेस करेंगे, वन बाय वन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।